मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर चल रहे पोस्टरों से जाहिर है कि यहां कांग्रेस पार्टी दो खेमे में बट गई है। एक खेमा जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरा खेमा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस विचार मंच के फेसबुक पेज पर चल रहा पोस्टर देखें तो स्थिति बहुत कुछ साफ दिखी जाएगी। इस पोस्टर पर कमलनाथ को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है। पोस्टर पर लिखा गया है कि राहुल भैया का संदेश, कमलनाथ संभालो प्रदेश। दूसरी ओर सिंधिया, जिनका पोस्टर भी फेसबुक पर देखा जा रहा है, उस पर लिखे संदेश में सिंधिया को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया है। इस पर लिखा है कि अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में विकास की आंधी लेकर आएगा। सिंधिया का यह पोस्टर श्रीमंत सिंधिया फैन क्लब के फेसबुक पेज पर लगा है। इस पोस्टर पर लिखा है कि देश में चलेगी विकास की आंधी, प्रदेश में सिंधिया, केंद्र में राहुल गांधी। हालांकि प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने किसी भी प्रकार के पोस्टर वार से इनकार किया है और कहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। उन्होंने इस खबरों का अफवाह बताते हुए पोस्टर वार को बीजेपी की साजिश बताया। चतुर्वेदी ने कहा कि मीडिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश में बीजेपी लगी है, लेकिन वे कामयाब नहीं होगी। एसपीएन नैनीजरूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस,